जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मौजूदा जो समा सारी दुनिया लई वी ते इस खिता जो दक्षणी एशिया है ये भी बहुत ही अस्थिरता वाला ते वड्डे बदलावों वाला समा है। पुराना बहुत कुछ ढह रहा है तो नवा हाले उसरदा दिखता नहीं। तो इंडिया विच भी जो हालात ने जो हिंदुत्व का हिंदू राष्ट्र वालू तकना तो सारिया पछाण मिट मेटन वाला जो कार्रवाई वह बाद दस्तूर चल रही। इन सारिया घटनावान का इन सारिया प्रोसैस का पंजाब के पंथ पर असर पैदा है। तो जे असी पंजाब पंथ की गल करिए तो इतने भी जो पिछले एक सदी दियाँ जो जथेबंदियां सी अकाली दल एस जी पी सी अकाल तख्त इस स्टेट की अधीनगी करके तो उन्होंने आई कमजोरिया तो कमियां करके उन्होंने भी जो शाख पहला सी वो नहीं रही तो शाख लगातार खुरदी जा रही है। योजे समय यह बड़ा जरूरी है पंथ लई पंजाब लई सोचा जाए कि कीता जाए। पिछले कुछ समय तुसी आह कोविड दे पेंडेमिक दे समय देखो जां किसान मोर्चे दे दौरान पंथ दी अजमत ते शान च बहुत बढ़ोतरी हुई है। जो रियल सिखी आ उस लोगों के सामने पेश हुई है जो रियल सिखी का किरदार या जो सिखों का हैरीटेज या जो उन्होंने बनता है फर्ज वो दुनिया के सामने आया। तो योजे समय से साडा बनता पंथ का यह फर्ज बनता उन्होंने ये बनता कि तुसी किस तरीके नाल पंथ नू लामबंद सूत्रबंद जथेबंद करिए कि आप अपने सिद्धांतों नू गुरमत सिद्धांतों नू परंपरा वालू बुड़ीए ते उन्हां दी सेध लैंदे होए दुनिया च अगे वधीए। यह आ साडे सामने करन वाले काम। तो हो यह रहा आ कि जो स्टेट आ वो देखिए कि पिछले कुछ समय तो वो इहो जे हालात बना रहा आ इहो जे सिस्टम्स चला रहा आ कि जिद एक पासे देखिए कि एक पासे तो जिन्हें भी सिखां दे लीडर्स आ राज दे विच जां धर्म विच उन्होंने जिहड़ा नवां सिस्टम आ उन्हां तक अप्रोच करके उन्होंने लालच दे के नार लाउण दे जां डरा धमका के ये भी प्रोसैस चल रहा। दूसरा यह चल रहा कि सिखां दे विच जिथे भी कितें कोई विखरेवे आ जिथे डिफरेंस आ जिथे कोई एक राय नहीं जां जिहड़े मसले सिखां नूं बड़े उन्हां दे नेड़ दे आ दिल दे वो सारे कट्ठे चक्के जा रहे आ जिहड़ियां डिफरेंस उन्हां वधाया जा रहा आ पोलराइजेशन कीती जा रही विदन ये प्रोसैस नूं काफ़ी जाने कि इशार दिता जा रहा है। तो इहदे नाल ही एक होर गल हो रही है कि एक पासे तो यह हो रहा कि फुट वधाई जा रही है खंडाव पैदा किया जा रहा है। दूसरे पासे जो स्टेट का स्टेट के जिहड़े हिस्से आ मीडिया आ होर जिहड़ा सारा स्टेट का पोलिटिक्स आ वह तुसी देखो कि लगातार पिछले कुछ समय तो किवें वरत रहा कि एक माहौल बना रहे हैं। ये माहौल दे विच शो कर रहे हैं कि पंथ ते पंजाब एक आप हुदरापन वाला एक भीड़ की मानसिकता वाला एक गैर जिम्मेवारी वाला एक हिंसा वाला वायलेंस वाला डिसरप्शन वाला योजा माहौल वो क्रिएट कर रहे हैं। तो उस ईवेंट्स होने दे रहे हैं वो लगातार उन्होंने राही वह सिखा दी ते पंजाब दी आइसोलेशन कर रहे हैं पोलराइजेशन कर रहे हैं तो बुरा नाम दे रहे हैं डेमोनाइजेशन कर रहे हैं। तो सानू लगता कि यह सारा प्रोसैस जो कुछ भी हो रहा इसी करके हो रहा कि नैक्सट टारगेट उन्होंने जोड़ा पंथ तो पंजाब आ क्योंकि वो जो किसान मोर्चे जो उन्हों की हार हुई है तो जो खालसे की चढ़त हुई है वो उन्होंने हजम नहीं हुई तो वो ब्योतबंदी चो सारा कुछ हो रहा कि पंथ तो पंजाब नू
एक खास तरीके पेंट किया जाए तो ये राही उन्होंने आइसोलेट किया जाए पोलराइजेशन किया जाए डेमोनाइजेशन किया जाए तो फिर रिप्रेशन किया जाए। ये सारे प्रोसैस के नाल नाल भी देखिए कि स्टेट लगातार सिखां नूं लीडरलैस कर रही है उन्होंने इंस्टीट्यूशन कमजोर कर रही है लीडरलैस भी तो इंस्टीट्यूशनलैस भी। ये तुसी देख सकते कि आले दुआले जिदा अपने बाहरले दो तख्त ने उन्होंने गल कर लीए दिल्ली ते हरियाणा कमेटी के दिग उत्थे की सिलसिले हुए है की रिजल्ट्स आए हैं की कुछ हो रहा उही वह पंजाब भी करना चाहते हैं एस जी पी सी भी करना चाहते अकाल तख्त भी करना चाहते अकाली दल भी सारी संस्थावान कर रहे ये सारिया गलां चल रही तो ये बनता कि सानू की करना चाहिए पंथ नूंब न जो पहला भी यह जो समय आए हिस्टरी दे जो इस तरह के मूँह जोड़ समय आए औखे समय आए तो पंथ सदा ही अपने सिद्धांत से परंपरा मर्यादा यही आसरा होंगे सी गुरु आशे अनुसार तो अकाल तख्त आ जो वो साडा धुरा आ इहो जगह आ जिथे असी हर चीज़ बारे विचार प्रदान करन राज बारे समाज बारे अपने मसलों बारे संवाद रचाउणा आ हल कढ़ने ने दुनिया दे सृष्टि दे ते सानू अज सब तो लाजमी गल सब तो प्रायर गल यही है कि जदों साडा धुरा हिल गया है पिछले बहुत लंबे समय तो अकाल तख्त फ्री नहीं उत्थे जिस तरह का माहौल जिस तरह की सेवा संभाल ते जो होना चाहिए सी उत्थे होना की चाहिए आ गुरमते अनुसार फैसले लेने चाहिए आ ते पंच प्रधानी अनुसार अगवाई दी चोण होनी चाहिए है उत्थे नहीं हो रहे वो ता नहीं हो रहे कि स्टेट ने कंट्रोल किया स्टेट ने अपने पार्टीज राही हुण देखिए कि अकाली दल ते एस जी पी सी राही ये प्रोसैस होया है कि अकाल तख्त जो खालसा पंथ की रजा तो खालसा पंथ की मर्जी आदा कलैक्टिव डिसीजन तो कलैक्टिव लीडरशिप का जो उ प्रोसैस चलना सी वो आ ही नहीं रहा वो होर ही पासे चले गए तो इस वक्त सब तो जरूरी है कि अकाल तख्त को फ्री करना अकाल तख्त जो अकाल का तख्त आ वह किसी भी दुनियावी तख्त के अधीन नहीं हो सकता यह बहुत ही वड्डा एक चैलेंज है साडे लई तो इत्थे असी सारी दुनिया बारे सृष्टि बारे फैसले करने ने ते हुण साडे लई जरूरी यह है कि असी उत्थे इहो जिहा सेवा संभाल दा सिस्टम लैके आईए जो पहला हुंदा सी इत्थे इतिहास च रहा है जिवें पहला सारा सेवा संभाल दा जिहड़ा प्रबंध उह अकाली जथियां कोल हुंदा सी अकाली उह सी जिहड़े काल तों परां जिन्हें मौत तो परा जिन्हों का कोई निज नहीं सी कोई अहुदा कोई अहुदेदारी नहीं तो उस संघर्ष करते सी निष्काम सरबदे भले लई हलेमी राज लई ते बेगमपुर वर्गे समाज लई अज भी साडी उही जरूरत आ कि असी उही जिहे प्रबंध उत्थे लैके आईए मौजूदा प्रबंध नूं हटाइए इहदे विच अपने आप ही एस जी पी सी नूं चाहीदा कि उन्हां नूं पिछे हट जाना चाहीदा ते जदों सिखां ते एडा वड्डा हमला हो रहा है उन्हां दे इंस्टीट्यूशन ते उन्हां दी होंद ते उन्हां नूं राह छड्डना चाहीदा है। हुण आपां 100 साल दा अपना जिहड़ा एक्सपीरियंस देख लिया आ इस वक्त साडे लई सब तो जरूरी आ कि अकाल तख्त ते इहो जिहा प्रबंध आवे कि उत्थे मुड़ गुरमते राही फैसले लवे पंथ ते पंच प्रधानी प्रणाली अनुसार कलैक्टिव लीडरशिप उत्थों अगे लियांदी जावे। ये समय का सब तो वड्डा क्वेश्चन या बाकी जिन्नियां भी साडियां प्रॉब्लम्स या इत्थे तुसी आप खुदरापन आ बुरशागर्दी आ होर एनीथिंग जो इत्थे इनडिसिपलिन आ रहा डिसरप्शनज आ रही प्रवर्शनज आ रही वो सारिया तो आ कि साडा एक कुंडा जो केंद्रीय धुरा साडा हिल गया आ तो सानू इत्थों ही शुरू करना चाहिए तो आओ आप सारे इस वल नूं लगीए। इस तहत असी पहला भी पिछले 6 महीने तो यह प्रोसैस शुरू किया इस तहत असी अक्तूबर च प्रोग्राम किया फिर नवंबर च फिर
दसंबर च फिर जनवरी च संपर्दावां संस्थावां शख्सीयतां यूथ प्रचारक ते होर जिन्ने भी पंथ दे हिस्से असीं सारिआं नाल गल्लबात संवाद रचाया ते अगे भी लगातार कंटिन्यू रखांगे। हुण असीं मीरी पीरी दिवस ते 28 जून नूं एक विश्व सिख एकत्रता उत्थे सद रहे हां कि सारे विश्व दा एक रीप्रजेंटेटिव इकट्ठ सारे पंथ दा कि उत्थे आपां जिवें असीं ट्रडिशन च करदे हुंदे सी साखी राही पंजा सिंघां राही गुरु ग्रंथ साहब दे सन्मुख असीं यह फैसला करिए कि असीं अकाल तख्त की सेवा संभाल किन्हां ने लैनी ते किवें वह जथा किहड़ा होना चाहिए ते उत्थे गुरमता अनुसार फैसले किवें लैने कलैक्टिव डिसीजन किवें होने ते पंच प्रधानी प्रणाली अनुसार कलैक्टिव लीडरशिप किवें चुननी ये असीं उत्थे करांगे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।